संजय राउत को मिली धमकी के मामले में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल रात संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद आज उनके भाई सुनील राउत ने कंजूर मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और पुणे से उसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दारू के नशे में धुत व्यक्ति ने संजय राउत को कैसे धमकी दी, इसका सीधा मतलब यह है कि उनका सीधे एक गैंगवार से कनेक्शन है। पिछले कई महीनों से लगातार इस तरीके की धमकी शिवसेना सांसद संजय राउत को दी जा रही है। इसके बाद भी उनके भाई ने आज मीडिया से बातचीत की और उनका कहना था कि संजय राउत के पास फिलहाल कोई भी सुरक्षा नहीं है और धमकी का मैसेज मिलने के बाद भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई नहीं जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। देखिए मीडिया से बात करते हुए संजय राउत के भाई सुनील राउत ने क्या कहा। संजय राउतांना असे अनेक धमक्यांचे फोन गेले 6 महिने राऊ साहेबांना माझ्या घरी सुद्धा वारंवार येत होते, परंतु आम्ही वारंवार कंप्लेंट करून महाराष्ट्र शासनाने हे सर्व स्टंट म्हणून त्याच्यावर लक्ष दिलं गेलं नाही। त्यामुळे बघा, महाराष्ट्र शासनाकडून असे काही आम्हाला सिक्युरिटी मिळेल अशी अपेक्षा आम्ही ठेवत नाही, परंतु हे जरी सुरक्षा जरी मिळाली नाही तर संजय राऊत काय असतील किंवा आम्ही असो, आम्ही शिवसेनेचं काम ठामपणे मजबूतपणे करत राहतो। नाही ना, बघा 40 आमदारांना, गद्दार आमदारांना 2-2 गाड्या मागे पुढे ठेवलेल्या आहेत। इव्हन मी तुम्हाला सांगतो, मुख्यमंत्र्यांचे श्रीकांत शिंदेचे काही ड्रायव्हर आहेत, काही भाजी आणणारे त्यांचे माणसं आहेत, त्यांनाही सुरक्षा पुरवली गेली आहे। त्यामुळे पहा की विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सुरक्षा देणं हे महाराष्ट्र शासनाला महाराष्ट्र शासनाला बहुतेक परवडत नसावं। सर हिंदी में बताइए कि संजय राउत को धमकी मिली, आप पुलिस थाने में आए थे, एफआईआर दर्ज करने क्या हुआ? अभी देखो, कल संजय राउत साहब को एक पुणे से एक मैसेज आया था, लॉरेंस बिश्नोई करके कोई एक गैंगस्टर है और वहां से उनको कोई मैसेज आया था कि आपको AK-47 से दिल्ली या महाराष्ट्र में हम उड़ा देंगे, जैसे पंजाब में मूसा वाला को उड़ाया उस प्रकार से हम आपको उड़ा देंगे, ऐसा एक मैसेज आया था। और मेरी अंदाज से आज कुछ कल रात को पुणे में किसी दो जन को अरेस्ट किया है। देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि शराब के नशे में किसी ने मैसेज किया, शराब की नशे में उसने और किसी को मैसेज नहीं दिया, संजय राउत को ही दिया है धमकी, तो इसका मतलब है कि इनका कोई कनेक्शन ये गैंग वॉर से है, गैंगस्टर से है। और संजय राउत के बारे में दारू के नशे में उन्होंने सच बोला है। ये दूसरी धमकी है तो क्या संजय राउत नहीं दूसरी नहीं, वारंबार लास्ट 7-8 महीने से धमकी आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र शासन उस पर परफेक्ट ध्यान नहीं दे रही है। क्या संजय राउत को सुरक्षा अब मिल रही है या मांग? संजय राउत जी को कोई सुरक्षा है ही नहीं और कोई सुरक्षा देंगे ऐसी हमें कोई खातरी भी नहीं, लेकिन सुरक्षा न देने से भी संजय राउत या हम शिवसेना का काम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम आज कर रहे हैं। धन्यवाद।